हाय अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ पार्ट 13। सो इन दिस पार्ट हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे अपनी टेक्सटिंग ऑब्वियसली, और होपफुली इंशाल्लाह हम जो है वो फिनिश करने की कोशिश करेंगे इसी पार्ट में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लास्ट पार्ट में हमने बेसिकली मेटलाइज जो है ये जनरेटर ऐड किया था, और ये कलर्स वगैरह ऐड किए थे, और ये हमने अभी तक जो है वो अचीव किया था जो लुक एंड फील थी। आगे जो है हमने वो बेसिकली ट्रायंगल टाइप जो है वो पैटर्न मैं बेसिकली टू कलर्स में वो लूँगा, और लेट्स से कि काफ़ी कुछ आपको बताया था मैंने स्टार्ट में कि मेरे माइंड में चल रहा है, तो लेट्स से उसके साथ चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टेक्सचरिंग। तो इसमें सबसे पहले मैंने आना है, और इसको मैं कहूँगा जी के ब्लैक मास्क इसमें ऐड करेंगे, और ये बिल्कुल वायर फ्रेम में आ गया, तो जस्ट प्लस वन, और हम ब्रश में चले जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे, इसको किल करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं मास्क में। और मास्क में हम लेट से यहाँ पे करते हैं जी ट्राई, और इसमें देखते हैं जी लेट से ये भी ले सकते हैं, और देखते हैं और भी काफ़ी कुछ क्या क्या आ रहा है, ट्राई में हमें क्या दे रहा है बेसिकली वो देख लेते हैं। काफ़ी बीच में अल्फाज हैं वैसे अच्छे जो है ना, तो देख सकते हैं ये वाइकिंग की शील्ड्स पे काफ़ी अजीब से इस टाइप के, और अजीब तो नहीं कह सकते, के काफ़ी डिफरेंट कह सकते हैं कि डिफरेंट किस्म के जो है ना वो पैटर्न इस टाइप के, और ये पैटर्न काफ़ी बने होते हैं, तो वो हमारे लिए काफ़ी इजी होगा, वो इतना इशू नहीं है। लेट्स से कि जो ऊपर हमने देखा था जी, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको क्रॉस कर देते हैं, इसको कंट्रोल राइट क्लिक से मैं स्केल करूँगा। अभी आप देख रहे होंगे कि ये इससे ज़रा स्केल नहीं हो रहा, तो उसके लिए हमने सिर्फ यहाँ पे जाके इसको हमने कर देना है जी कैमरा। तो अभी हम देखें तो अभी भी नहीं कर पा रहे बिल्कुल, मुझे आइडिया क्यों नहीं कर पा रहे, तो एक ऑप्शन और हमने चुनी है साइज़, बेसिकली जो है अलाइनमेंट हमने कर दिया कैमरा के मुताबिक, और साइज़ जो स्पेस है वो हमने इसका कर देना है जी व्यू पोर्ट, जो हमारा व्यू पोर्ट है उसके। अभी हम देखें तो ये काफ़ी हम इसको स्केल अप कर सकते हैं। और एक चीज़ हमने करनी है, ZBrush में जिस तरह स्नैप करते हैं इसमें भी स्नैप कर सकते हैं, अगर आप ऑल्ट लेफ्ट क्लिक से इसको रोटेट कर रहे हैं और आप शिफ्ट प्रेस कर रहे हैं तो आप देखें ये स्नैप कर रहा है, ठीक है। ये दोबारा मैं कर रहा हूँ, ये देखें ये आपके करीब जो भी होगा इसको ये शिफ्ट प्रेस करूँगा ये स्नैप कर देगा, ठीक है। अभी हमने स्नैप किया हुआ है टॉप पे, तो अब भी हम जाके यहाँ पे आइडिया लेते हैं कि हमने कहाँ पे जो है वो पेंट करना है और कैसे। लेट से मैं इसके ये मिडल में ले रहा हूँ, मिडल का आइडिया ले रहा हूँ थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा मैं अलाइन भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। और इतना कोई ख़ास नहीं है, मैसी भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता थोड़ा सा, जैसे कि इधर एक लगाते हैं जी, ये हमने रेड ले लिया, और इसी को ही मैं दूसरी तरफ रोटेट करता हूँ थोड़ा सा, और ये सेंटर इसका करने की कोशिश करता हूँ, और इसको देखते हैं ये यहाँ पे, और सेंटर, और यहाँ पे एक क्लिक कर देता हूँ, ठीक है जी। सो लेट्स से कि आई एम हैप्पी कि ठीक आ गए, और अभी जो है इसमें जाते हैं बेसिकली, और इसमें जा के लेट्स से इसको किल करता हूँ, और मैं आता हूँ जी इधर ब्रशेस में, उसको ख़त्म करने के लिए बता रहा हूँ, और ये बेसिक सॉफ्ट है बेसिकली ब्रश, ये सेट कलर वो आप दोबारा अपने डिफॉल्ट ब्रश है उसमें आ जाएंगे। ओके जी, तो ये तो मैंने कर लिया, ब्लू कलर भी आ गया, ये सारा कुछ हो गया, लेकिन अभी भी मैं देखूँ तो ये कलर जो है वो काफ़ी क्लीन है। आप देखें ये ठीक है, ये हमें थोड़ा सा इस वुड का थोड़ा सा ये स्क्रैचेस वगैरह और ये सारा कुछ मिल रहा है, लेकिन ये क्लीन कलर है, तो इसको थोड़ा सा डर्टी करते हैं। सो लेट्स से कि इस लेयर के टॉप पे जो इस फोल्डर है एक फिल लेयर लेते हैं, ठीक है जी ऑब्वियसली, और इसमें मैं सिर्फ यूज़ करूँगा जी कलर, मुझे और किसी चैनल की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको काफ़ी गंदा सा कलर जो डार्क सा देते हैं जो मैं करना चाहता हूँ, ऐसे थोड़ा सा कलर भी बीच में ऐड हो, और ऑब्वियसली फिल लेयर है तो कभी भी जो है इसको चेंज कर सकते हैं। और इसमें मैं लेता हूँ जी ब्लैक मास्क,
ठीक है जी। और ब्लैक मास्क में लेट से मैं ऐड करता हूँ जी जनरेटर एक, और जनरेटर में ऐड कर देता हूँ जी लेट से डर्ट। ठीक है जी, डर्ट ऐड करते हैं, और डर्ट जनरेटर लेट से जी ऐड हो रहा है, वेट। ठीक है जी, डर्ट जनरेटर मैंने ऐड किया, और जैसे ही मैं डर्ट जनरेटर ऐड किया, इसको मैं अगर ऑन ऑफ करके देखूँ लेयर को लेट से, ये देखें, ठीक है जी, ये मुझे आईडिया हो रहा है कि डर्ट इसके साथ क्या इफेक्ट दे रही है डर्ट। और वैसे तो मुझे ये भी अच्छा लग रहा है वैसे, और वाई नॉट के इस लेयर को मैं उठा के आयरन के ऊपर भी ले जाऊँ, कि आयरन भी बड़ा क्लीन सा लग रहा है। और ये देखें, अभी देखें, ठीक है, दिस इज मच मच बेटर। जिस तरह ये इसके गिर्द, और ये काफ़ी इसको डेप्थ जो है वो दे रही है, स्टैंड आउट हो रही है सारे जो स्क्रूज वगैरह, ये जो बोल्ट हमने किए थे स्कर्ट। तो लेट से इसके साथ देख भी लेते हैं, इसको मॉडिफाई भी कर लेते हैं, कि इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, मैं देखता हूँ मुझे कितनी डर्ट चाहिए। मैं इस पे जो है वो ब्लड का भी सोचा है मैंने, तो मैं इसको इतना डर्टी नहीं करूँगा लेट से, आई थिंक ये एनफ है। इसको मैं देखता हूँ, तो आई थिंक एनफ है ये। और ये टॉप पे इसलिए दिया है कि ये भी बीच में कवर हो जाए। ओके जी, लेट से ये इसको मैं कह देता हूँ जी डर्ट लेयर है। ठीक है जी, ये डर्ट की लेयर है। ओके, अभी ये ऐड हो गया, अभी मैंने क्या ऐड करना है जी, लेट से मैं कुछ ब्लड वगैरह, वो भी ऑब्वियसली शील्ड यूज़ हुई है, और ब्लड वगैरह वो भी ऐड करने की कोशिश करते हैं, वो भी ऐड करते हैं। ठीक है जी, और इसके ऊपर ही मैं ले लेता हूँ जी एक और पेंट ले, ये फिल लेयर सॉरी। ठीक है, और इसमें भी मैं सिर्फ यूज़ करूँगा कलर, लेट से कि मैं ये भी यूज़ करता हूँ, ताकि मतलब ब्लड मैंने ड्राई लेना है, ये बाद में उसको वेट करना है, वो अभी इन अ सेकेंड मैं समझा देता हूँ आपको। और ब्लड का कलर लेट से देख लेते हैं कि हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा आई थिंक ये ठीक रहेगा। ठीक है, और अगर ये मैं ऑफ करूँ, ये देखें आप कितना फ़र्क पड़ा है, कि आपने वेट लेना है और ड्राई लेना है, वो अभी ना सेकंड में बता देता हूँ आपको। इसको मैं कह देता हूँ जी, इसको ये शॉर्ट में लेते हैं ब्लड। ठीक है जी, और इसमें मैं लेता हूँ जी ब्लैक मास्क। ठीक है, ब्लैक मास्क में जाके मैं दोबारा जाता हूँ अल्फाज में अपने, और लेट से इसमें मैं करता हूँ एस पी एल, और यहाँ पे देखता हूँ ये स्प्लैटर एक आ रहा है, से इसको सेलेक्ट करते हैं, और इसको स्केल करते हैं थोड़ा, और रोटेट भी कर देते हैं, और इसको मैं लेट से यहाँ पे लगा देता हूँ एक। ठीक है जी, और इसको मैं रोटेट करता हूँ थोड़ा सा, और लेट से यहाँ पे भी लगा देता हूँ, इसको ब्लू पे लगाते हैं, थोड़ा बिजली भी नज़र आए ये। ठीक है जी, और लेट से मैं और देखता हूँ इसमें स्प्रे और चीज़ है, मैं इसमें देखता हूँ जी मुझे अगर मिल जाए। अच्छा, इसको मैं ख़त्म करता हूँ, और मैं अल्फ़ा में सर्च करता हूँ खुद। ठीक है जी, और इसमें देखते हैं जी, इसमें काफ़ी मज़े मज़े के मिल जाएंगे हमें। स्क्रॉल करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं, ये भी है कि नहीं, ये हॉलो है, उस पर लिखा हुआ है, मैं यूज़ किए हैं पहले भी, तो इस तरह ये है। ठीक है जी, और ये लेट से इधर दे दिया है, और ये है। ठीक है जी, ये लेट से मैं इधर दे देते हैं, ये ज़्यादा हो गया, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, इधर दे देते हैं। ठीक है, सो इसकी अभी टेंशन नहीं है, इसको भी अभी फिगर आउट करेंगे। ये काफ़ी आपको लग रहा होगा कि मैसी हो गया, लेकिन इसको मैसी हम जो है वो नहीं होने देंगे, ये आई थिंक पहले भी यूज़ किए थे हमने ये वाले जो हैं, और देख लेते हैं। वैसे इस पर हम ये लगाना चाहें थोड़ा सा, तो ये भी लगा सकते हैं हम इस पर, लेट्स से कि यहाँ फिंगर्स लगी हैं किसी की,
या इधर हाथ होगा पूरा आई थिंक, ये लगा रहे हैं। अगर इसको देखें थोड़ा सा, ये लगा लिया हमने, और लेट्स से कि हम देखते हैं जी, अगर एक इंसान है वो, इसने उसको सॉर्ड घुसा दी है उसके पेट में और इस तरह उसका हाथ लगा है, तो आई थिंक ऐसे ही लगेगा। ठीक है जी, और वाई नॉट एक इधर भी दे देते हैं, नज़र तो नहीं आ रहा, चले एनी हो। और ये भी है एक, ठीक है, और बेसिकली ये बेसिकली वो चीज़ थी जो मैं कह रहा था। ठीक है जी, और इधर आते हैं और इधर आके इसको लेट से घुमा देते हैं इधर को, और इसको दो तीन बार क्लिक करने से काफ़ी डार्क हो जाएगा। अच्छा जी, लेट से कि ये हमने दे दिया है और इसको करते हैं जी क्रॉस, और ये अभी काफ़ी मैसी सा आपको लग रहा है जी, मैसी हो गया काफ़ी। सो डोंट वरी, इसके अंदर लेते हैं जी हम एक जनरेटर, और जनरेटर में जाके हम लेट से, ये एक जनरेटर है जी, इसको हम यूज़ करते हैं ड्रिपिंग। ठीक है जी, ये अभी देखेंगे जी ऑल ओवर द प्लेस जो ब्लड है हमारा वो चला गया है। सो डोंट वरी, इसको हम जाके एक चीज़ करनी है सिंपल, हमने ये भी टोटल यूज़ करा, हम इसको कहते हैं जी आप यूज़ करो मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर। ठीक है जी, अभी ये उसको बिल्कुल ऑल ओवर द प्लेस फैला नहीं रहा, और उसके बाद हमने यहाँ पे जाना है और इसको हमने देखना है इसके साथ प्ले करके। ठीक है, ये भी देख रहे हैं, ये वापस आ रहा है रिजल्ट हमारा जो है, और इसको हमने बढ़ाते जाना है अनलेस अंटिल के जितना हमें ये चाहिए। ये इसलिए देखें, ये जनरेटर ऐड किया, ये देखें, ये अगर इसको मैं ऑफ कर दूं, ये बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल ये हमें नहीं चाहिए, हम ले भी सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट हो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ये ऐसे हो, ओल्ड शील्ड दिखा रहे हैं ऑब्वियसली हम, और इसको कंट्रास्ट में आते हैं। और देखते हैं जी ये क्या ऑफर कर रहे हैं हमें। ठीक है, इसको बढ़ाएंगे थोड़ा सा, ठीक है, इसको वापस लेके आते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और आई थिंक काफ़ी है इतना, और ये अच्छा भी लग रहा है। और दूसरा एक और काम अगर आप करना चाहें, आप इसमें आएँ, तो ऑब्वियसली ब्रश हमारे पास है, हम इसमें जाएँ और इसमें जाके लेट से कि मैं ब्रशेज़ में चला जाऊँ, और ब्रशेज़ में जाके मैं ऊपर जाता हूँ स्टार्ट में, और यहाँ पे मैं देखता हूँ जी मुझे कौन कौन से ब्रश हैं अवेलेबल हैं, और काफ़ी हैं। ठीक है, और लेट से कि ये सिलेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है, तो इसमें जाके अगर मैं इसको बेसिकली थोड़ा सा करना चाहूँ, इसके अंदर जाके इसमें ब्रश चेंज कर लेता हूँ दूसरा, ए डेड टू, और ये अगर मैं इसमें मास को इन्वर्ट कर दूं, तो मैं अभी इसको रिमूव कर रहा हूँ भाई, ये जिस तरह आप देखें मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ इसे, ये देखें ये, और इसको अगर इसका फ्लो मैं कम कर दूं, तो ऑब्वियसली ये इतना जो है वो वर्क नहीं करेगा, और मैं ऑब्वियसली कहीं भी इसको ब्रेक करना चाहूँ तो ब्रेक कर सकता हूँ। ठीक है जी, इतना कोई इशू नहीं है, तो हमारे हाथ में कंट्रोल है, जैसे भी हम चाहें तो ऑब्वियसली हम कर सकते हैं। इस तरह इसको मैं कर रहा हूँ, और इधर आके लेट से ये वाला लेता हूँ ब्रश, ठीक है जी, और इसको लेट से ऐसे, और इसका भी फ्लो ऑब्वियसली कम करूँगा मैं, और लेट से इसको सबसे पहले करता हूँ मैं, ठीक है, इसको इसको रैंडम यहाँ पे स्ट्रोक लगा देंगे कि ये बिल्कुल एक ना लगे कि जी बिल्कुल छापा सा लगा हुआ है। ठीक है जी, और इसको भी ब्रेक कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है, लेट से ये है, ये है, ये ऑलरेडी ब्रेक है। ठीक है जी, तो लेट से कि जी ये शील्ड है हमारी, और दूसरा जो मैं आपको बता रहा था ड्राई, और उसकी लेट से कि इसकी रफनेस अभी अगर हम लेके जाएं इधर, ठीक है, ये ब्लड अभी बिल्कुल आपको लग रहा है जी, ये बिल्कुल ब्लड आपको ड्राई लग रहा है, अगर मैं ये देखकर रोटेट करूँ देर इज़ नो शाइनिंग। ठीक है,
क्योंकि ब्लड अगर अभी मैं वेट की तरफ लेके आता हूँ, ये देखें ये लग रहा है ये ब्लड अभी वेट है थोड़ा, तो वो हमारी जो है वो चॉइस है वो हम किस तरफ लेके जाते हैं। सो आई एम प्रिटी हैप्पी विद द रिजल्ट। सो इसमें एक काम हम और कर सकते हैं जाने से पहले, कि इसमें हम काफ़ी इमेजेस वगैरह और इस टाइप की कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं, लेट से कि वो भी ऐड कर लेते हैं हम इसमें, और लेट से कि ब्लड के अंडर ही लेट से जो पेंट हमारी है फोल्डर, इसी में इसके ऊपर एक फिलियर और ऐड करते हैं, और इसमें भी मैं सिर्फ जो है वो कलर यूज़ करना चाहूँगा, तो कलर लेट से मैं ब्लैक कर देता हूँ फुल, और इसमें मैं करता हूँ जी एक ब्लैक मास्क ऐड करते हैं, और ब्लैक मास्क ऐड करके लेट से मैं अल्फ़ा में जाता हूँ, और मैं अल्फ़ा देखता हूँ मेरे पास क्या क्या अल्फाज इस वक्त मौजूद हैं, और काफ़ी इस टाइप के जो हैं वो पैटर्न हमें जो हैं वो मिल जाते हैं, जिस तरह ये है ठीक है, तो इस टाइप के काफ़ी पैटर्न इनके बने होते हैं वाइकिंग्स के ना, लेट्स से ये है जिस तरह ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ये तो काफ़ी इस टाइप के मज़ेदार से मिल जाते हैं, और देखते हैं जी ये एक्चुअल ये तो उसमें यूज़ भी हुआ हुआ है उनका जो अपना है, इसको लेट्स से हम अगर चेंज करना चाहें यहाँ से, तो इसको भी वैसे ही हम यहाँ पे जाके हम इसको कह सकते हैं जी कैमरा, और इसको कह देते हैं लेट्स से व्यू पोर्ट, और अभी ये काफ़ी जो है वो बिग हो गया हमारे मुताबिक, इस तरह ये भी यूज़ हो रहा है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं, लेट से छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा रोटेट भी कर लेते हैं बस, और स्केल डाउन कर लेते हैं, और लेट से यहाँ पे प्रेस करते हैं जिस तरह ये है, तो इस टाइप के जो हैं वो काफ़ी मिल जाते हैं, लेट से और देखते हैं अगर कोई हमें मिलता है अच्छा सा, एक ये है जिस तरह इसको देखें, तो ये भी एक अलग ही है हट के बिल्कुल इस तरह ये है, तो ये भी अच्छा है काफ़ी वैसे, थोड़ा और स्केल अगर मैं करूँ और यहाँ पे इस तरह ये है, ये भी वैसे अच्छा लग रहा है, और लेट्स से इसको भी देख लेते हैं, कंट्रोल जी फिलहाल करते हैं और नीचे और देखते हैं, लेट्स ये भी वैसे अच्छा है, इसको अगर हम से कि यूं देखना चाहें यूं कर सकते हैं हमें जिस तरह ये है, ये भी अच्छा लग रहा है, तो काफ़ी हैं उनके साथ हम खेल सकते हैं, लेट से कि इसके साथ ही चलते हैं और इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, कितना स्केल करेंगे, और यहाँ पे ठीक है जी, और मुझे अच्छा लग रहा है ये काफ़ी, ये भी ऐड कर सकते हैं इसे दो ऐड करना चाहें तो हम इसको यहाँ यूं करके, लेकिन ये काफ़ी जो है वो हो जाएगा रशी सा, समझ नहीं आएगी किसी के भी, वैसे इन दोनों के साथ भी जा सकते हैं, दोनों भी अच्छे लग रहे हैं वैसे, बुरे नहीं लग रहे, तो काफ़ी तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, लेट्स से कि मैं इसके साथ जाता हूँ, ओके जी लेट्स कॉल इट डन, सो इस वीडियो के इधर ही ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट एक और सीरीज़ में जो है न्यू ट्यूटोरियल के साथ वो इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए अपना अपने गिर्दोनवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और आपकी सपोर्ट की और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसे, ताकि तमाम लोगों तक जो है वो पहुँचा जा सके, और एक समझ लें कि एक बूस्ट मिलता है थोड़ा सा एप्रिसिएशन से, ये ह्यूमन नेचर है और वो और ज़्यादा जो है वो मेहनत के साथ काम करता है, सो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कीप लर्निंग कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।